स्कूल पढ़ना चाहता हूँ। गुरु रूप प्यारे साथ संग जीओ, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आप मनोहर गुरबाणी का शोर शरण कर रहे सो कबीर, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तुझको सौंप पे क्या लागे। जदों यकीनन ये आपां मन लवांगे, आत्म सात कर लवांगे कि जो कुछ भी है उस बारे में तो बख्शा हो रहा है, उसकी दात है। फिर सत्संग जो मैं मेरी मिट जाएगी, होमे मिट जाएगी, होमे नावे नाल विरोध है, दुई नाम से एक थाई गुरबाणियां आती है, दोनों का विरोधाभास है, दोनों एक थान पर टिक नहीं सकते। जिथे मैं मेरी है उत्थे वो तू नजर ही नहीं आऊंगा, जे जिथे तू नजर आने लग पैदा है उत्थे फिर मैं मेरी पहले बिनस जाती है। वाहेगुरु करे रहमत कृपा साढ़े अंदरों भी कि मैं मेरी मिट जाए, जे देखा तो तू मेरी अवस्था बन जाए, तो साढ़ा यह मनुखा जीवन सफल हो सके। अरदास दर्शन रूप अभिलास पुस्तक डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी जी की लिख, उसनों आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार के गुणन की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वाहेगुरु के अगर तकले भी कर रहे हैं। वाहेगुरु जी हो आप सानू सुमत बख्शो, विवेक बुद्ध बख्शो कि साढ़ा यह मनुखा जीवन सफल हो सके, तो सानू इस धरती आके या जीवन में वैसे भी विचरण करते हुए सानू असल में मंगण की जाच आए। असं उस धरते को दुनिया में पदार्थ मनते रह जाते हैं, वो मिल भी जाते हैं, कई बार नहीं भी मिलते, गिले शिकवे भी बड़े करते हैं। जिन्ना गिला तो शिकवा होगा, चाहे वह परिवार में हो, समाज में हो, उतना ही बंदा दुखी दुखी तो दुखी रहेगा, तो जिन्ना उसके अंदर शुकराना भरेगा उतना आनंद भरपूर उसका जीवन बन जाएगा। गल ये नहीं है कि बंदे को है कि बस उस तो ये फिक्र रहती कि मेरे को ये नहीं है। अच्छे मैं सुन रही थी कहने किसी ने बड़ा धनवान व्यक्ति से बड़ा धनाढ़ से, तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे ऐसे ख्याल आ गया कि फिर मैं देखा तो सही मेरी कितनी दौलत गई, फिर तो फिर ये होश ही नहीं रहती फिर किन्नी इकट्ठी कर ली है, क्योंकि अखीरले दम तक उस तो मुँह छुटता नहीं। हम सत्संग जी उसने अपने उसको बुलाया तो किया कि सारा इसका हिसाब किताब करके देख कि मेरे को कितनी दौलत हो गई है। हम सत्संग जी उन्हें उसने जो सी ए समझ लो जो भी समझ लो उसने सारा हिसाब किताब करके दसरा किया, कहते सत पीढ़ियाँ तेरिया बैठ के खादिया रहना तो तेन कोई फिक्र नहीं, सत पीढ़ियाँ तेरिया बैठ के खा सकदियाँ ने, क्योंकि तू बहुत कमा लिया है, बहुत दौलत है, कुछ भी ना करन कहने जी कहने मैं कख भी ना करना तद भी उन्होंने को इतना होगा, सारी ऐशा के साधन हो गए। तो कहें उस रात उसू नींद नहीं आई, हम सत्संग हुई क्यों नींद नहीं आई, कहते मेरी अठवीं पीढ़ी का की बनेगा, इतने ये हालत है बंदे की, सत पीढ़ियाँ बैठ के खा लेनगियाँ उसकी कोई उसमें खुशी नहीं, तो अठवीं पीढ़ी की करेगी कि सारे अपंग पैदा होने, सोचने की गल है ना, वह किरत नहीं करेंगे, वह कर्म नहीं करेंगे। सतवीं पीढ़ी तक होने के बावजूद भी बंदा परेशान है तो अपने आप को बीमारियां लगा लेता है, इस फिक्र में भी मेरी अठवीं पीढ़ी की करेगी। वाहेगुरु ही मेहर करे, रहमत करे, क्योंकि बिना संतोख नहीं को रजे, बिना संतोष के ना कोई अज तक तृप्त होया, ना कोई रजिया, ना ही रज सकेगा। तो जिसनों संतोष रूपी धन मिल गया वह अठे पैर ही उस मालिक के शुकराने। महात्मा तुलसीदास भी इस प्रथा बड़ा सोहना लिखते हैं, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। फिर समझ आता भी सारी चीजा के जिस पिछे आप कमले हुए पे से उन्होंने तो साथ जाना नहीं सी, तो जो कमाना चाहिए से वह कमाया नहीं, फिर अखीर में पछतावा शेष रह जाता, फिर अब पछताए मुक गया जब चिड़ी आ जाएगी, जो स्वासा की पूंजी मुक जाएगी फिर पछताने की होगा। इसलिए गुरबाणी पढ़न देना जो हिरदे करके पढ़ते हैं, समझते हैं, विचारते हैं, तो सानू संतोष रूपी धन भी मिलता है, तो इस धन के आने तो बाद बंदा सच्चे अर्थों में आनंद भरपूर जीवन जी लैंदा है। उसके मन में अट्ठे पैर यह बनया रहा मेरी योग्यता कुछ नहीं सी, मालक ने तो मैं बड़ा कुछ देकर नवाजिया है, तो वह शुकराने भर उठता है, जिमें जिमें शुक्र करता जाता है, वाहेगुरू तेरा शुक्र है, वाहेगुरू तेरा शुक्र है, उमें उमें उसके अंदर खेड़ा से आनंद अठे पैर नहीं बनया रहा है। असं अपर अरदास पढ़ रहे हैं अध्याय विवेकदान,
कि जो विवेक बुद्ध आ गई दुनियावी ज्ञान तो बड़ा कुछ बड़ा लोग अर्जित कर लेंगे ने अपने कमां लई भी करना पैंदा है अपना बिजनेस चलाना उस लई भी करना पैंदा ज्ञान हाजिर या दुनिया दे विच किसी तरह की होर धार्मिक विद्या है जो जिस अर्थी भी हुण पंडित लोग ने ज्ञानी ने जो जिस भी धर्म के आगू ने जे उन्हां नूं उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा इल नहीं होगा तो फिर वह किसी को किवें सीधे रस्ते पाएंगे पर जो इस इलम का इस ज्ञान की दुरवरतों होने लग पैंदी है ते लोकी लोगों नूं भरमा के ते अपने अपने स्वार्थ के लिए प्रमित कर लग जाते हैं तो सत्संग जो उसका ना उसनों आप भला हों उसका अपना भला हों के ना ही जिसनों वह गुमराह कर रहे हैं वह तो होना ही कितने है वो तो दोनों पास हो गया इसलिए सत्संग उस ज्ञान की सद वरतों करनी आ जाए जो क्योंकि पढ़ पढ़ किताबों के लाए ढेर बार जानना के अंदर नहीं दुनियावी जो ज्ञान है उसके नाल सत्संग जो दुनियावी कार्य सर सकते हैं कमा भी सकते हो अच्छे अहदे मिल सकते हैं अच्छी डिग्रियां मिल सकदियां ने पर जिन्हें तक विवेक बुद्ध नहीं आई उसनों खर्चना किमें है किमें ईमानदारी रखनी है किमें सच्चा सुच्चा जीवन व्यतीत करना है ये समझ ही नहीं आई तो असल धन कि ये समझ नहीं आई तो फिर वह धोखा ही कर रहे अपने नाल भी तो उसके जो उसके संपर्क में आते हैं जिन्होंने फिर वो इस तरह की तालीम दे रहा है उन्होंने भी वह गुमराह कर रहे तो समय के जिन्हें जिम्मे गुरु नानक पातशाह की पावन बाणी आप पढ़ते हाँ तो उन्होंने सारे विचार विमर्श तो किया समाधि तो रचा है तो स्पष्ट किया है जब तक दुनिया रही है नानक कुछ सुनीए कुछ कहीए तो जो असं संवाद करते हाँ जरा बंदा गुमराह कर रहा है जिस आशी नाल कर रहा है तो वह धर्म के आगू ही तो सन कर्मकांडी बना रहे सन तो वहमां विच वाहिगुरु जी वहमां विच पा रहे सन हूँ जे वहमा नहीं पाएंगे प्रमित नहीं करेंगे कि यह नहीं कहेंगे भी थोड़े से शनि का दोष है थोड़े से ये है राहु है केतु है पता जो 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 डर डर पैदा करते हैं तो फिर सचमुच वो डर के बेचारे होर भयभीत हो गए फिर जिस पास उन्होंने लाया जाएगा उस पास लगनगे तो गुरु नानक पातशाह जिसनों भी मिल रहे हैं उन्होंने सच्चा ज्ञान करवा रहे हैं उन्होंने विवेक की गल दस रहे हैं भी इस तरह करन दे नाल कुछ नहीं होना इस तरह ना अपना कुछ सवरना है तो ना जिन्होंने तुम गुमराह कर रहे हो उन्होंने कुछ सवरना है इसलिए हरेक की परिभाषा दसी है सच्चा मुसलमान कौन है सच्चा सिख कौन है सच्चा योगी कौन है तो सारे जिस भी धर्म के आगू जोड़ी भी मुखी ने उन्होंने सारे परिभाषित करके करके दसिया है जो जो इस्लाम नाल बिलोंग करता है तो उस विच ये गुण होने चाहिए ने जे इस धर्म नाल बिलोंग करता है तो इस विच ये गुण होने चाहिए ने जो नमाज पढ़ता है उस नमाजा के अर्थ दसने पांच नमाजा के अर्थ दसे ने कौन से ग्रंथ में सानू ये मिलता है कि कोई दूजिया के धर्मों के बारे दसे सत्संग इतने सानू गुरु ग्रंथ साहब जी जी मिलता है इसलिए आप पावन बाणी तो सीध लेनी है विवेक दान कहने एक जो आप कल विचार कर रहे सी कि किस तरह जो मन है उसके उस तो दो चीज़ा उपजदियाँ ने बुद्ध तो भी दो चीज़ा उपजदियाँ ने उपजदियाँ ने तो मन तो भी दो चीज़ा उपजदियाँ ने वो की ने कहते हैं कि एक पुराणिक कथा अनुसार मन दिया दो स्त्रियां हैं एक प्रवृत्ति के दूजी निवृत्ति इन्हों के उदर तो मन के दो पुत्र हुए प्रवृत्ति के उदर तो मोह पैदा होया ते निवृत्ति के उदर तो विवेक पैदा होया मोह ने तत्काली संसारक लाभ से जो सुंदर छवि वाले पदार्थ राय मन विवेक वालों हटा लिया उसने कितने परमिट किया बाहर की चका चौंध में परमिट किया भी तेरे को एड्डी व्डिया गड्डिया होनगिया ये होगा तेरा जीवन सफल है एडे एडे साधन होंगे इस तरह परमिट किया तो विवेक ने की किया कहते हैं इस पुत्र नाल रल के मन ने भोग भोगण लई इंद्रिय पैदा कर ले तो वो भोगों के रस में खचित हो गया तो अपने ज्ञान असले रूप उसने विस्तार दिता यह विद्या वसे का विवेक जो है वो मंद हो गया यानी विवेक जड़ी है विवेक जड़ा है तो मिलोना शुरू हो गया मतलब उत्थे मन हावी हो गया तो मत जड़ी है वो मध्यम हो गई तो इस विपरीत जो सचमुच कहना परदास दे विच आवेगा अगे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची जिन्हें तक मन नीवा है तद तक मत उच्ची रहेगी तो जो सचमुच मत नीवी हो जाएगी उसकी सारी सोच गलत हो जाएगी जो सोच ही गलत हो गई तो उसको चंगा काम तो कोई होना ही नहीं नेक कर्म तो उसको हो ही नहीं सकता वो तो पुठे राह चलेगा पुठे राह चलावेगा
इसलिए दसना किया है इस बड़ा सोना खुलासा करके कि होना मन समझता है मैं भोगदा हाँ वो मैं भोगा दे द्वंद विच फस गया विवेक पास तत्काली लाभ वाली कोई वस्तु नहीं वो पास का मन अपने असली तो जानू कराउन की समर्था है उसके कोल मन असली ज्ञान कराउन की समर्था है पर मन सुने ता ना मन इतना प्रफुल्लित झूठे रंग तमाशिया विच उसनू ते सारे मूर्ख दिसते ने चंगी सलाह देने वाला भी उन्हें मूर्ख दिसेगा ये तो पागल है ये तो इदा ही मान है हुण साजन जिन्ने तक वो सही वाले की गल सुन ही नहीं रहा तो मनेगा किवें जिवें आपां पावन बाणी नूं पढ़ांगे नहीं सुणांगे नहीं मनन किवें करांगे जदों सानूं समझ आण लग पवेगी पर इस तों बिना कोई चारा नहीं है कोई साधन नहीं है असली सुख प्राप्त करन दा ते असल धन नाम धन है वो आपां विहाजदे ने ते फिर आपां पछताउंदे आं कहिंदे ने फिर उसने की कीता विवेक पास तत्काली लाभ वाली कोई वस्तु नहीं सी उस पास का मन नु अपने असले तो जानू कराउन दी समर्था है मोह दे संगल छुड़ा के मन जदों भी विवेक वल परतदा है तां ओ मैं ते तोगा दे द्वंद विचों निकल के प्रतीत करदा है कि ओ तां आपे रसिया आप रस आपे रावण हार है इस प्रतीत राही सारा द्वंद जिहड़ा है निबड़ जांदा है हुण सासू जी जिवें जिवें समझ आंदी जावेगी ना फिर ओ ए नहीं सोचता रहेगा कि फलाना बंदा गलत है फलाना गलत कर रहा है फलाना गलत कर रहा है वो सोचेगा भाई उसके अपने कर्मों का निबेड़ा है मेरे अपने कर्मों का निबेड़ा है मैं की घटना है उसकी निंदा करके मैं की घटना है उसको बुरा कह के दुश्मनी ते मुल लेने हैं तो इसलिए सत्संग जी वो आप ते होर चंगे कर्म होर नेक कर्म करता रहेगा तो जिस भी कर्मों में होगा उसको सेध लैके वो आप ही चंगे कर्म लग दूजा चंगे कर्म लग जाएगा ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਆਂਧ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਦੁਐਤ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਈਰਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਘਟਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜਝ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ 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 ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜਲਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਸ ਸਦਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੀਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀ ਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।